नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, आज भी पटना की छोटी छोटी गलियों में या पॉश इलाकों में अभी भी जब गोल्डन मैन की आवाज़ लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, तो उनके पैरों में एक फुर्ती आ जाती है और वो उस गोल्डन मैन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, कई वर्षों से यह सिलसिला चलता आ रहा है। जो बच्चे आज दौड़ रहे हैं उस गोल्डन मैन के लिए दौड़ते हैं, उनकी आवाज़ सुन के उनके पीछे भागते हैं, उस गोल्डन मैन के पीछे उस बच्चे के पिता भी दौड़ा करते थे अपने बचपना में। आखिर ये गोल्डन मैन है कौन? क्या ये कोई बहुत बड़े नेता हैं? क्या ये कोई बहुत बड़े अभिनेता हैं? नहीं। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बिहारी न्यूज के इस स्टूडियो में गोल्डन मैन के नाम से मशहूर, भगत सिंह के नाम से मशहूर आर के तिवारी यानी राम अवतार एक्स तिवारी उर्फ भगत सिंह। जी हाँ, ये कोई बड़े राजनेता तो नहीं, बड़े अभिनेता तो नहीं, लेकिन युवा दिलों की धड़कन, बच्चों के दिलों पर राज करने वाले एक आइसक्रीम विक्रेता हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कई वर्षों से, लगभग 5 दशक से भी अधिक समय से ये इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आज हम करते हैं आर के तिवारी से खास बातचीत। नमस्कार आर के तिवारी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका रंग रूप देखकर लग रहा है कि आप भगत सिंह के बहुत बड़े दीवाने हैं। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपना नाम भगत सिंह क्यों रखा और इस लुक को अपनाने के पीछे क्या राज है? इसमें दरअसल बात यह है कि हमने स्टोरी पढ़ी थी भगत सिंह की, तो वीर पुरुष का स्टोरी पढ़ कर हम मन में कोई उत्तेजना आई कि एक गेटअप हम तैयार करें कि आम पब्लिक में, इसीलिए गेटअप तैयार किए। आईसी यूनिट में रहते हैं इसलिए लोग हमको पहचान में आए और हमारा नाम भगत सिंह के नाम से बच्चे बच्चे को, उनके अभिभावक जो हैं बच्चे बच्चे को कहते हैं इसी तरह से भगत सिंह थे देख लो, तो वो बच्चे भी आज भगत सिंह कहते हैं। साल में एक बार उनका जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे 2.5 साल का 3 साल का 5 साल का 10 साल का 20 साल का जो भी हैं वो रोज़ बार रोज़ भगत सिंह के नाम से पुकारते हैं, तो स्मरण होता है भगत सिंह का डेली। आपके माध्यम से बच्चे भगत सिंह से रोज़ रूबरू हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी को इस तरीके से याद किया जाता है और आपके माध्यम से एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जा रहा है। भगत सिंह जी, हम अभी आपको भगत सिंह ही बोलेंगे। भगत सिंह जी, आप ये बताइए कि आप इस आइसक्रीम के रोज़गार से कब से जुड़े हुए हैं? 1955 से आइसक्रीम लाइन में हैं। इसके पहले हम पढ़ते थे, मैट्रिक पास किए, उसके बाद तो कुछ आर्थिक स्थिति डल थी इसलिए ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, तो आ गए आइसक्रीम आज़ादी काम खोजते थे, किसी के मातहत में हमको रहना पसंद नहीं था इसलिए आज़ाद हिंद आज़ाद काम। उस हिसाब से हम इसमें करीब करीब 64 साल गुजार दिए। मतलब 64 वर्षों से एक ही क्षेत्र में इस तरीके से नाम कमा लेना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और सबसे स्टाइल में जी आपका, और आपने पहले ही बता दिया कि हम किसी के अंदर रहना नहीं चाहते थे, आप तो सही में भगत सिंह निकले, मतलब उनकी तरह एकदम स्वतंत्र विचार वाले। और अच्छा, सदाबहार, नो टेंशन, टेंशन मुक्त बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, और तो आपने रोजगार के लिए बिहार को क्यों चुना? बड़े बड़े शहरों को भी चुन सकते थे। भगत सिंह का जन्मभूमि पंजाब में, कर्मभूमि उत्तर प्रदेश। अच्छा। और मेरा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और कर्मभूमि बिहार। बिहार में हमको हर चीज़ देखने में और जगहों की अपेक्षा बढ़िया लगता है, इसलिए यहाँ पर समझ जाइए कि घर तरह से हो गया, घर घरेलू ट्रम्स हो गया है। जितने कस्टमर हमारे हैं सब लोग इज्जत करते हैं और सब लोग विश्वास करते हैं। एक पॉलिटिकल सवाल, हालांकि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं और आपके माध्यम से बहुत सारे राजनेताओं ने बचपन में हंसो मतलब आइसक्रीम खाया है, आपके यहाँ तो खाया है, तो अभी वर्तमान में जो हालात है राजनीतिक के, थोड़ा सा सवाल है आपके रोज़गार से जुड़ा हुआ कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक इंटरव्यू में कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारा विवाद भी हुआ, बहुत तरह की बयानबाजी हुई, विपक्ष ने बहुत हमला भी किया, और आप एक आइसक्रीम बेचकर इतना ज़्यादा फेमस हुए, लोग आपको पहचानते हैं, हर जगह पहचानते हैं, आपको अलग नाम से जानते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो रोज़गार को छोटा समझते हैं? देखिए, रोज़गार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम है वो काम है, जो रोज़गार है वो रोज़गार है, जो पॉलिटिकल लोगों का पॉलिटिकल जो है वो अलग है। ये बिजनेस जो है छोटा बड़ा होता रहता है, इसके लिए अगर कोई विरोधाभास करे तो ये अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, और इस चीज़ को समझना ही चाहिए, कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। एक सवाल मेरे मन में आता गीता है, गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, कर्म नैवाधिकार अस्ते माँ फलेश कदाचना, कर्म को करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आपके हाथों बड़े बड़े राजनेता अभी भी आइसक्रीम खाते हैं, अभिनेता सुनने में आया कि शेखर सुमन जब भी आते हैं तो आपसे मिलते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हमको बहुत गौरवान्वित होता है कि स्टूडेंट लाइफ में जितने हुए, लालू यादव हुए, नीतीश कुमार हुए, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, शेखर सुमन हुए, रंजन यादव हुए, फिर ये सुशील कुमार मोदी हुए, ये सब लोग आइसक्रीम हमसे खाते थे, घरेलू क्रमता यहाँ के बाशिंदा थे, तो हमसे तो घनिष्ठता शुरू से था, लोग जानते थे भगत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा भी भगत सिंह का नाम पर रखे थे। बिहार में एक जीता जागता भगत सिंह का उदाहरण है और एक काफ़ी फेमस चेहरा भी है, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताइए। हमारे कहने का मतलब है कि सब लोग आगे में अग्रसर हों, किसी का नकल नहीं करना चाहिए, आप उन्नत करिएगा तो दुनिया देखेगी। शुरू से लेकर आज तक आप गोल्डन से जुड़े हुए हैं? हाँ, गोल्डन से हमको 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया क्वालिटी वाल्स वाला दे रहे थे, अन्य कंपनियाँ दे रही थी, लेकिन हम उसको ठुकरा दिया कि ऑनेस्टी ये बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक चीज़ होती है, कि कहीं भी रहिए वैल्यू एक जगह बना रहता है, कहीं भी रहिए वहाँ काम करते रहिए। हमारी कंपनी का, गोल्डन कंपनी का मालिक जो है बहुत दिलदार, वो देख लिए कि 64 साल से ये आइसक्रीम बेच रहे हैं, तो इनके लिए एक हम दिल्ली से स्पेशल गाड़ी मंगवा दें बेचने के लिए, क्योंकि बहुत सेवा किए, तो गोल्डन कंपनी हमारे ऊपर ध्यान देती है, हमसे गोल्डन जुड़ा हुआ है, गोल्डन से हम जुड़े हुए हैं, और गोल्डन के ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया है कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आर के तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी जनता आपके बारे में जानना चाहती थी और आपसे रूबरू लोग हुए, एक बार फिर से आपका धन्यवाद हम करते हैं। मैं हूँ प्रियांक सौरभ, आप देख रहे थे बिहारी.net। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें, और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विज़िट करें। शुक्रिया।